कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात के करीबी इश्तियाक के घर पर कानपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। केडीए का कहना है कि यह बिल्डिंग अवैध थी, इसलिए कार्रवाई की गई है। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात के करीबी इश्तियाक अहमद के बिल्डिंग पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चला दिया। स्वरूप नगर स्थित अवैध निर्माण के चलते पिछले साल ही सील की गई 3 मंजिला इमारत पर शनिवार सुबह भारी फोर्स के साथ केडीए ने बुलडोजर चलाया। इमारत इश्तियाक अहमद की बताई जा रही है कि इस कार्रवाई को कानपुर हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इश्तियाक के हिंसा में एक मुख्य आरोपित से संबंध है, हालांकि इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर रहा। पुलिस का कहना है कि इस एंगल पर जांच की जा रही है। केडीए अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य ने बताया कि इश्तियाक अहमद ने 130 वर्ग मीटर की जमीन पर आवासीय नक्शा पास कराया था, इसके बावजूद उन्होंने कॉमर्शियल निर्माण करा लिया। पिछले साल केडीए ने इमारत को सील कर दिया गया था। इसके बाद कुछ समय के लिए निर्माण किया गया जिसका समन नहीं हो सकता, इस कारण केडीए ने यह कार्रवाई की। जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि इश्तियाक की हिंसा के मुख्य आरोपित जफर हयात से करीबी संबंध है, फंडिंग की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।